राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री। बात आज से लगभग 100 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश का मशहूर शहर बनारस यानी वाराणसी। इसी बनारस के समीप मुगल सराय में एक साधारण परिवार शारदा प्रसाद श्रीवास्तव का। वो इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला में पढ़ाते थे। 2 अक्टूबर 1904 को श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और श्रीमती राम दुलारी के घर मुगल सराय में पहली संतान का जन्म हुआ। प्यार से बच्चे का नाम नन्हे रखा गया। नन्हे अभी 1.5 साल का ही था कि उसके पिता नहीं रहे। माँ ने नन्हे को बड़े जतन से पाला। उसमें ऐसे चारित्रिक गुणों का विकास किया कि आगे चलकर नन्हे एक मजबूत कंधों वाला इंसान बना। नन्हे भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बना। यानी हम बात कर रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री की। आम आदमी से देश के प्रधानमंत्री पद तक की लाल बहादुर शास्त्री की जीवन यात्रा असाधारण है। पिता के देहांत के बाद लाल बहादुर का लालन पालन अपने ननिहाल में हुआ। लाल बहादुर पढ़ने में बहुत अच्छे थे, पर घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न थी, इसलिए माँ बेटे की पढ़ाई को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। खेलने में भी लाल बहादुर का बहुत मन रमता था। वो रोज शाम को स्कूल से लौटने पर स्कूल से लाया हुआ काम निपटाकर पिछवाड़े खेलने चले जाते। खेलने का सामान भी वो स्वयं बना लेते। वो खजूर के बहुत सारे फूल जमा करते और उन्हें पुराने कपड़ों में लपेटकर फुटबॉल बना लेते। जब बॉल बहुत छोटी रह जाती तो उससे हॉकी खेलते। पेड़ों की मजबूत टहनियां तोड़कर उन्हें हॉकी की स्टिक बना लेते। घर में हर उम्र के बच्चे थे। चलो चलो बाग में आम तोड़ते हैं। हाँ हाँ चलो 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 चलो। हाँ एक मिनट। हाँ ये लो ये भी हाँ ये लो। कौन है? अरे कौन हो तुम लोग? अरे भागो भागो। अरे बड़े शैतान बच्चे हो। चिपचिप यही चिपचिप। अभी बताता हूँ। अरे दीवार फाड़ लो दीवार फाड़ लो। यही चिपचिप। अरे कहाँ छिप रहे हो? बताता हूँ। अरे पकड़ लिया था बच्चू। कहाँ जाओगे? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने तो बस ये फूल तोड़े। आम तो उन लोगों ने तोड़े। बस फूल तोड़ा है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मालूम है मेरे पिताजी नहीं है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। देख इस तरह हुड़दंग में शामिल होना तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कभी फिर मत करना बेटे। जी, जी।
माली की बात का नन्हे के मन पर यानी लाल बहादुर शास्त्री के मन पर गहरा असर हुआ। इसके बाद लाल बहादुर ने कभी इस तरह की गलती नहीं की। हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए लाल बहादुर बनारस पहुंचे। आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए भी लाल बहादुर ने हिम्मत नहीं हारी। जब भी वो भीतर से कमजोर पड़ते, उन्हें मां का उम्मीद भरा चेहरा नजर आता और मां की उम्मीदों को वो कभी हारता हुआ नहीं देख सकते थे। अभावों ने उन्हें सहनशील बना दिया था। हालात विकट थे, लेकिन लाल बहादुर ने उन पर विजय पाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। वो पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाने लगे। हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ते हुए ही लाल बहादुर ने देशभक्ति का पहला पाठ पढ़ा। यहाँ लाल बहादुर अपने अंग्रेजी के अध्यापक और क्लास टीचर निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्र से बहुत प्रभावित थे। एक दिन शांत बच्चो, शांत। हाँ बैठो बैठो बैठो। देखो ऐसा है, कल कक्षा के सब छात्र मेला देखने जाएंगे। अरे वाह, मजा ही आ गया। गंगा पार मेला लगा है और जिस जिस बच्चे को मेला देखने चलना है अपने साथ एक एक आना लेकर आए। जरूर जरूर, मैं तो ले आऊंगा। मैं भी ले आऊंगा एक आना। एक आना, एक आना। लाल बहादुर, क्या बात है? कुछ नहीं। तुम शांत बैठे हो, तुम्हें मेला जाने की खुशी नहीं हुई? नहीं। तुम्हें नहीं जाना? नहीं सर, मुझे मेला वगैरह जाना अच्छा नहीं लगता। वास्तव में लाल बहादुर का मन तो मेले में जाने का था, लेकिन उनके पास सिर्फ एक पैसा था। निष्कामेश्वर मिश्र बच्चे की भावना को समझ गए और घर परिवार की हालत की सारी जानकारी लेते हुए वो उन्हें मेला दिखाने ले गए और लौटने पर अपने घर ले गए। मिश्र जी ने कई बार उनकी आर्थिक रूप से सहायता करने का प्रयास किया, पर स्वाभिमानी लाल बहादुर ने नम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। ये वो समय था जब देश के वातावरण में राष्ट्रीयता की भावना बिजली की तरह दौड़ रही थी। इसने देश के युवकों में एक नया उत्साह फूंक दिया। लगता था जैसे एक विशाल शक्ति सोते से जाग उठी हो। बरसों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने के लिए भारत कसमसा उठा था। पूरा देश उथल पुथल से भर उठा था। लाल बहादुर ने उन्हीं दिनों लोकमान्य तिलक का भाषण सुना, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा तो जैसे मंत्र बन गया था उनके लिए। 1917 बिहार में चंपारण सत्याग्रह की सफलता, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन की शुरुआत, और फिर गांधी जी की अपील। लाल
मैं सभी स्त्री पुरुषों छात्र नौजवानों और अध्यापकों से अपील करता हूँ कि राष्ट्र को स्वाधीन बनाने की लड़ाई में कूद पड़े। वर्ष 1921, तब लाल बहादुर शास्त्री लगभग 16 साल के थे। देश में व्याप्त असहयोग आंदोलन की लहर ने उन पर गहरा असर डाला। इसी साल महात्मा गांधी देश का दौरा करते हुए बनारस पहुंचे। लाल बहादुर ने तल्लीन होकर उनकी प्रेरक वाणी सुनी और उन्होंने महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प कर लिया। जीविकोपार्जन की परवाह किए बगैर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। सत्रह साल की उम्र में छात्र आंदोलन के दौरान लाल बहादुर पहली बार गिरफ्तार हुए। कुछ समय बाद जब आंदोलन शांत हुआ तो लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। विद्यापीठ की पढ़ाई के दौरान लाल बहादुर को बहुत कुछ सीखने को मिला। मानवीय संबंधों की जितनी जानकारी हो सकती थी उन्होंने हासिल की। देश प्रेम, सादगी और आत्मत्याग की भावना का जो पाठ उन्होंने यहाँ पढ़ा उसने जीवन भर उनका मार्गदर्शन किया। लाल बहादुर का छात्र जीवन बड़ी ही तकलीफों से भरा था। कॉलेज तक पहुंचने के लिए उन्हें हर रोज 9-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और कभी कभी जब वो सवेरे के घंटों की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट आते तो उन्हें शाम की कक्षा के लिए फिर उतना ही पैदल चलना पड़ता था। उनके पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही इक्के का किराया देने के लिए जेब में कुछ था। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि गंगा पार करने के लिए नाव का किराया न होने पर लाल बहादुर ने तैर कर नदी पार की। इन सब कठिनाइयों के बावजूद दर्शन शास्त्र की पढ़ाई उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1926 में लाल बहादुर ने स्नातक यानी शास्त्री की डिग्री हासिल की और ये शास्त्री उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, लाल बहादुर शास्त्री। तेईस साल की उम्र में जब लाल बहादुर शास्त्री की शादी हुई तो उपहार में उन्होंने एक चरखा और एक थान खादी ही स्वीकार किया। अभावों की जरा भी परवाह किए बगैर वो सत्याग्रही बन गए और उनकी पत्नी ललिता जी सच्चे अर्थों में उनकी सहधर्मिणी बनी। उन्होंने गृहस्थी का पूरा भार अपने कंधों पर उठा लिया और शास्त्री जी को कभी चिंता में नहीं डाला। देश की आजादी के लिए लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे। इस दौरान वे अक्सर जेल में रहे। उन्होंने कहा, मुझे आज तक कभी पारिवारिक समस्या का भान नहीं हुआ। इससे मुझे गांधी जी और नेहरू सरीखे दो कठोर परिश्रमी महापुरुषों के बीच अपनी शक्ति के उपयोग का काफी समय मिल गया। मैंने खुद को राजनीतिक संघर्ष में झोंक दिया। हर आंदोलन में मुझे जेल जाना पड़ा और एक तरह से मेरा बंदी जीवन बड़ा ही रोचक रहा, क्योंकि जेल में रहकर मैं खूब पढ़ा करता था।
आंदोलनों के दौरान जेल में रहकर शास्त्री जी ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों की कृतियां बड़ी गहराई से पढ़ी। इसी दौरान शास्त्री जी ने मैडम क्यूरी की जीवनी का हिंदी में अनुवाद किया। ।1935 से 1945 के बीच वो कई बार जेल गए। जेल यात्राओं के दौरान उनके एक बच्चे की मृत्यु और दूसरे की गंभीर बीमारी का दर्द भी शामिल था। उनकी राजनीतिक गतिविधियां लोक सेवक मंडल की सदस्यता से शुरू हुई थी। 1937 में शास्त्री जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मंत्री चुने गए। शास्त्री जी की कर्मठता और सादगी से सभी प्रभावित थे। उन्होंने कांग्रेस संगठन में अनेक महत्वपूर्ण पद निभाए। सन 1947 देश स्वतंत्र हुआ। ।1952 में वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। ।1952 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए। ।1952 से 1956 तक वो रेल मंत्री रहे। एक गंभीर रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। 1957 के आम चुनाव के बाद वो परिवहन व संचार मंत्री और फिर वित्त व उद्योग मंत्री बने। ।1961 में उन्होंने देश के गृह मंत्री का अति संवेदनशील पद संभाला। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उन पर असीम विश्वास था। नेहरू जी के निधन के बाद वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री ने जिस वक्त देश की बागडोर संभाली उस वक्त देश संकट की घड़ी में था। देश के राज्यों में कहीं बाढ़ थी तो कहीं सूखा पड़ रहा था। महंगाई, गरीबी और अन्न का संकट चारों तरफ था। शास्त्री जी ने अन्न की कमी से निपटने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की और देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ठोस कदम उठाए। किसानों और नौजवानों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उन्होंने नारा दिया, जय जवान, जय किसान। 1965 सितंबर में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान उन्होंने गहरे आत्मसंयम का परिचय दिया। वो शांति के उपासक थे पर देश की सुरक्षा सर्वोपरि थी। सितंबर के अंतिम सप्ताह में सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम की अपील की, जिसका उन्होंने पूरा सम्मान किया। जनवरी 1966 में शास्त्री जी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच वार्ता के लिए उस समय के अविभाजित रूस ने पहल की। इसे ताशकंद वार्ता के नाम से जाना जाता है। वार्ता तो सफल रही पर अपनी मातृभूमि से दूर वहीं सोवियत रूस में 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया। देश ने अपना महान सपूत खो दिया। सारा देश स्तब्ध रह गया था। अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले
यानी 15 अगस्त 1965 को लाल किले के प्राचीर से अपना पहला और आखिरी भाषण देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, हम रहे या न रहे लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और ये देश रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये झंडा रहेगा, हम और आप रहें या न रहें, लेकिन भारत का सिर ऊंचा रहेगा। भारत संसार के सभी देशों में एक बड़ा देश होगा और शायद दुनिया को कुछ दे भी सके। लाल बहादुर शास्त्री आत्मविश्वास और आत्मशक्ति की सजीव मूर्ति थे। वो अत्यंत स्वाभिमानी होते हुए भी बहुत विनम्र थे, बहुत गंभीर होते हुए भी विनोदी स्वभाव के थे। उच्च पदों पर काम करते हुए उनकी सरलता और सादगी में कोई अंतर नहीं आया। सच्चे अर्थों में वो जनहितैषी थे। मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। वह सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा थे। उनमें आम भारतीय की सरलता और सहजता थी। सचमुच भारत के लाल थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्हें हमारा शत शत नमन। लाल बहादुर शास्त्री। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, आलेख सईद मोहम्मद इरफान, कलाकार मंजू मैनी, बाबला कोचर, एसपी इलावादी, सतीश कक्कड़, सुनील लोहिया, रसज्ञ उज्ज्वल तथा आकाश, ध्वनियांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।